तो आप इस भाई को देखिए, इस भाई को कैंसर था, इस भाई को कैंसर था, डॉक्टर ने जवाब दे दिया भी आप ले जाओ सेवा करो। दिमाग भी कमला सा हो गया, जो भी मन में आता बोलते बालते रहते और पहचानते भी नहीं थे, लेकिन इनके रिश्तेदारों ने कहा कि चमत्कार चर्च में चलो, तो ये चमत्कार चर्च में आए। ऐसे तो वो ये खड़े हो ही नहीं सकते थे, ऐसे तो ये चल भी नहीं सकते थे, ऐसे ये चल भी नहीं सकते थे, इसके हाथ अंग काम नहीं करते थे। ये देखिए हाथ ऊपर जा रहा है, पूरी तरह से बुरा हाल था, खत्म थे, डर थे आज के कल के, आज के कल के परसों, लेकिन चमत्कार चर्च में आए। हमने प्रार्थना की, प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना सुनी। जो प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह सुन लेते हैं, इसका मतलब वहां चमत्कार हो गया, और इसके जीवन में प्रभु ने चमत्कार कर दिया। ये चंगे भले हैं, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं। जब हम एक गवाही को सुनेंगे, ये बहन बता रही हैं कि इनकी दूर की नजर कमजोर थी, इसको धुंधलापन दिखाई देता था दो महीनों से, लेकिन आपने अभी इनके लिए ले हैंड किया और इन्होंने अपने आप को चेक किया, अब बिल्कुल साफ देख रही हैं, जो धुंधलापन है वो खत्म हो चुका है प्रभु यीशु मसीह के नाम से, और अभी इन्हें साफ दिखाई दे रहा है। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ करते हैं, हालेलुया। बिशप जी हमें गवाही को सुनेंगे, ये माता जी बता रही हैं कि इनको काफी समय से घुटने में दर्द होता था और जिसके कारण ये चल नहीं सकते थे और बैठ नहीं सकते थे। आज जब ये परमेश्वर की हजूरी में आए थे सुबह तो भी इनको दिक्कत थी, लेकिन अब जब परमेश्वर के दास ने इनके ऊपर ले हैंड किया तो प्रभु यीशु मसीह ने उस बीमारी से चंगाई दी है, अब ये बिल्कुल चल रहे हैं और बिल्कुल रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। माता जी आप बैठ के दिखाओ और चल के दिखाओ। हालेलुया, बता रहे कि पहले ऐसा ये